पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय। आज के इस अनुकीर्तन में हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की उस वाणी को हम याद करेंगे जहां पर वे हमें ये कहना चाहते हैं कि चाहे सुबह हो या घोर रात्रि हो, देर रात हो या शाम हो, किसी भी टाइम या हर समय आप हरिनाम कर सकते हैं। बस इतनी से शर्त है कि दूसरी कामना वासनाओं को हटाकर भगवान के प्रेम के लिए, भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत भजन करें। आप भगवान के हो, भगवान को प्रसन्न करें, भगवान की सेवा करें। आइए इस डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित होकर उनके मुखारविंद से उनकी दिव्य वाणी श्रवण करें। प्रभाते गोविंद रात्रि मध्यान्ह संध्याय अनर्थ छड़िया लौ न मेरो आश्रय। डू हरि नाम, गिविंग अप अल्टीरियर डिजायर्स, योर टारगेट इज डिफरेंट, देन एवरीथिंग विल बी लॉस्ट बिकॉज योर means justified by the end. By the end, you can have justification of the means you have adopted. For that reason, justification will be judged from the end. You should have the end only for the satisfaction of Krishna, and not any ulterior motives. Professional chanters, there are many professional chanters to get mundane benefits. That is not the actual chanting. आपने सुना? गुरु महाराज जी ने कहा डू हरि नाम, ये तो ठीक है, लेकिन कैसे हरि नाम करना? गिव अप ऑल टाइप्स ऑफ अल्टीरियर डिजायर्स, जो मतलब एक तरह का कबाड़ भरा हुआ है ना हमारे हृदय में। अब आत्मा को ये सब चीजों की जरूरत थोड़ी है, और मैं तो आत्मा हूं, आत्मा को इन सब चीजों की जरूरत नहीं। बहुत तरह का कबाड़ भरा हुआ हमने, स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, अपराध, ये सारे अनर्थ भरे हुए। तो अनर्थ छाड़िया, अनर्थों को छोड़कर हरि नाम करना होगा। गुरु महाराज जी ने कहा साफ शब्दों में कि अगर टारगेट कुछ और है, यानी कि हरि नाम कर रहे हैं और भगवान से कुछ और मांग रहे हैं, चाहे सामने नहीं बोल रहे, अंदर अंदर मांग रहे हैं, तो गुरु महाराज जी कहा सारा परमार्थ नष्ट हो जाएगा। यानी कि जो दिव्य प्रेम हमको मिलना है उससे हम वंचित रह जाएंगे। एवरीथिंग विल बी लॉस्ट। सुना आपने गुरु जी की वाणी, एवरीथिंग विल बी लॉस्ट। वो जो प्रेम है ना भगवान का, वो जो स्नेह है ना भगवान का, वो जो नित्य सेवा है भगवान की, वो जो भगवत धाम में भगवान के साथ विचरण करना, उनकी सेवा करना, ये सब कुछ रह जाएगा हमारा एक छोटी सी गलती से कि हरिनाम कर रहे हैं, चाहे सुबह कर रहे हैं, दिन कर रहे हैं, रात कर रहे हैं या हर समय कर रहे हैं, पर अनर्थ भरे हुए हैं और मन्नते रख के हरिनाम कर रहे हैं, तो गुरु जी ने कहा एवरीथिंग विल बी लॉस्ट। इसलिए हमको हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी वाणी के अनुसार भगवान का भजन करना है, हरिनाम करना है हरि की प्रीति के लिए। फिर गुरु जी एक और वाणी हमने सुनी, मीन्स इज जस्टिफाई बाय द एंड। भगवान ये देखते हैं कि ये जो कर रहा है इसका उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य सही है ना, फिर सब कुछ सही है। इसलिए हमारा जो उद्देश्य, हमारा जो हरिनाम का उद्देश्य एकमात्र होना चाहिए, क्या? भगवान का प्रसन्नता विधान। गुरु जी की सेइंग है ओनली सेटिस्फेक्शन ऑफ श्री कृष्ण, ओनली, केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण जो हमारे सेव्य हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उनकी प्रसन्नता विधान। गुरु महाराज जी ने कहा कि दुनिया में बहुत सारे प्रोफेशनल चांटर्स हैं जो मतलब कई पैसा लेके कीर्तन करते हैं या पैसा लेके कथा करते हैं, उनको थोड़ी भगवत प्रेम मिलेगा, या और किसी भावना से कि मैं अगर ये करूँगा तो इतना मान सम्मान बढ़ेगा, या मुझे
मुझे गिफ्ट में कार दी जाएंगी या गिफ्ट में और कुछ मिलेगा। इस प्रकार दुनिया की तमाम इच्छाओं के साथ जो हरिनाम किया जाएगा, चाहे भागवत कथा की जाए, चाहे हरिनाम संकीर्तन किया जाए, उससे भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। तो गुरु महाराज जी कहते हैं डू हरिनाम कैसे, भगवान की प्रीति के लिए, ओनली सेटिस्फेक्शन ऑफ श्री कृष्ण। तो इस बात पर हमको ध्यान देना होगा। देखो, जिनके पद चिन्हों पर हम चलना चाहते हैं, है ना, तो उनकी इच्छा के अनुसार चलना जरूरी है। गुरु महाराज जी ने कई बार साधु संघ की व्याख्या करी, सम्यक गमन इति संघ। साधु संघ मतलब साधु की इच्छा के मुताबिक अपने जीवन को ढालना। और हमारे सामने परम साधु इस डिवाइन के श्री भक्ति व्रतित गोस्वामी महाराज जी हैं, तो उनकी इच्छा है कि हम हरिनाम करें, लेकिन कैसे करें, ये दुनिया की तमाम इच्छाएं जो है इनको हटाएं और भगवान की प्रीति के लिए भगवान का भजन करें। गुरु जी के साफ शब्दों में मैं बोलकर आज की वाणी को विश्राम दूंगा। गुरु जी बोला डू हरिनाम गिव अप अल्टीरियर डिजायर्स, जो दूसरी दूसरी इच्छाएं हैं, दुनिया की इच्छाएं हैं या स्वर्ग की इच्छा है या मोक्ष की इच्छा है, सबको छोड़कर अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हरिनाम करें। आज के अनुकीर्तन में इतना ही। हरे कृष्ण।